हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग डोर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लोन अ लिंक लिस्ट विद नेक्स्ट एंड रैंडम पॉइंटर प्रॉब्लम। इट्स अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यू आर गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड एन नोड्स वेयर ईच नोड नेक्स्ट पॉइंटिंग टू इट्स नेक्स्ट नोड। यू आल्सो गिवन एम रैंडम पॉइंटर्स वेयर यू विल बी गिवन एम नंबर ऑफ पेयर्स डिनोटिंग टू नोड्स ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? जनरली एक कोई भी नोड के अंदर दो बॉक्स होते हैं, वन डाटा कंटेन करता है एंड सेकंड बॉक्स में नेक्स्ट नोड का एड्रेस। बट इसके अंदर एक नोड के अंदर थ्री बॉक्स होंगे, एक में डाटा होगा, दूसरे में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा और तीसरे में एक रैंडम नोड का एड्रेस होगा, जिसे हम आर्बिट्री पॉइंटर भी कहेंगे। ऐसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप। वन कनेक्टेड टू से, टू कनेक्ट थ्री से, थ्री कनेक्ट है फोर से, फोर कनेक्ट है फाइव से। बट अगर हम देखें वन थ्री से कनेक्ट है, जो वन थ्री से कनेक्ट है ये आर्बिट्री पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट है। एंड नेक्स्ट देखते हैं थ्री जो है फाइव से कनेक्ट है, थ्री जो फाइव से कनेक्ट है, ये थ्री जो कनेक्ट है आर्बिट्री पॉइंटर के थ्रू फाइव से कनेक्ट है। और हम यहाँ पर देखते हैं फोर थ्री से कनेक्ट है, तो फोर जो है आर्बिट्री पॉइंटर के थ्रू से थ्री से कनेक्ट है। ऐसे ही फाइव टू से कनेक्ट है एंड टू वन से कनेक्ट है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट दिए हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा ये कोड। हमें डायरेक्टली एक फंक्शन गिवन होगा जिसके अंदर हमें पैरामीटर में हेड दे दिया होगा स्ट्रक्चर का, हमें उसकी जस्ट एक कॉपी बनानी है। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं पहले। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करा देता हूँ पहले। और मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में हेड पॉइंटर कनेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नए पॉइंटर्स ले लूँगा, हेड पे मैं करंट पॉइंटर पॉइंट करा दूँगा और हेड के नेक्स्ट पे मैं नेक्स्ट पॉइंटर ले लूँगा। एंड मैं इटरेट करना स्टार्ट करूँगा इसको हेड से। जैसे ही मैं हेड से स्टार्ट करूँगा इटरेट करना, अभी मेरा कर्सर हेड पे पॉइंट कर रहा है, वन पे पॉइंट कर रहा है, तो मैं एक न्यू नोड ले लूँगा वन, जिसका नाम मैं न्यू नोड लेता हूँ। एंड अब इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, कनेक्शंस मैं पहले जो न्यू नोड बनाई है उसको करंट के नेक्स्ट से पॉइंट कराऊंगा और जो करंट है उसका नेक्स्ट न्यू नोड से पॉइंट कराऊंगा। ये वाला जो कनेक्शन है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट को आगे मूव करा दूंगा और इस कर्सर को भी मैं आगे पॉइंट करा दूंगा। सेम मैं अब एक न्यू नोड लूंगा जिसके अंदर टू डाटा डाल दूंगा और उसका नाम क्या होगा, न्यू नोड, पिछले वाला हट जाएगा। सेम मैं इसका कनेक्शन क्या करूँगा, करंट के नेक्स्ट से कर दूँगा एंड करंट के नेक्स्ट को न्यू नोड से कर दूँगा कनेक्ट। एंड नेक्स्ट को मैं आगे मूव कर दूँगा नेक्स्ट, एंड करंट को भी आगे मूव कर दूँगा और ये वाला कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मैं थ्री नोड ले लूँगा और सेम चीज़ रिपीट करूँगा, इसको इससे कनेक्ट करूँगा पहले, फिर इसको इससे कनेक्ट करूँगा। सेम फोर लूँगा मैं, अब देखूँगा कि जो नेक्स्ट है वो नल जा चुका है, नेक्स्ट जो है नल पे आ चुका है, तो जो मैं न्यू नोड जो मेरी फोर है उसको मैं उसका जो नेक्स्ट है वो नल से कनेक्ट कर दूंगा और जो कर्सर यहाँ पर कर्सर पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पर अभी कर्सर का नेक्स्ट न्यू नोड से कनेक्ट करा दूंगा। यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट स्टेप में जो स्ट्रक्चर बन गया है इसको मैं अलग से बना लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि नया स्ट्रक्चर जो हमारा बना है वो बना क्या है आखिर, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा हेड पॉइंटर है, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया है, ये मेरा कॉपी स्ट्रक्चर है जो मैं बना रहा हूँ, जो मेरा आउटपुट है, ये मेरे को गिवन था। अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो ये वाले पॉइंटर है, ये वाले आर्बिट्री पॉइंटर, ये वाला जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन तो है ही नहीं अभी, ये वाले कनेक्शन इस न्यू स्ट्रक्चर में तो है ही नहीं, तो मेरे को इस न्यू स्ट्रक्चर में ये वाले कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो इसमें मैं सेकंड स्टेप में बताता हूँ कि आर्बिट्री कनेक्शन कैसे करूँगा न्यू स्ट्रक्चर में। एक मैं पहले पॉइंटर ले लूँगा जो हेड पे पॉइंट करेगा, कर्सर करंट नाम रख देता हूँ मैं,
एंड देन मैं चेक करूँगा जहाँ पर करंट पॉइंट कर रहा है उसका आर्बिट्री नल है या नहीं है। अगर नल होता है तो सिंपली मैं कर्सर को जो करंट है, करंट पॉइंटर, आप जो भी नाम रखो कर्सर या करंट, उसको मैं आगे मूव कर दूंगा। बट अगर नल नहीं है, जैसे कि हमारा यहाँ पर वन नोड है, वन नोड का आर्बिट्री थ्री से पॉइंट कर रहा है जो कि नल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये कॉपी स्ट्रक्चर में जो मेरी वन है इसको मैं थ्री से कनेक्ट कराऊँगा। तो इसके लिए क्या करना होगा मेरे को, मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये न्यू नोड, ये जो है अब न्यू नोड तो नाम रहा नहीं इसका, तो मैं क्या करूँगा करंट, जो करंट है करंट का नेक्स्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, जो करंट का ये नेक्स्ट है, ये वाली नोड करंट का नेक्स्ट, करंट के आर्बिट्री, करंट का आर्बिट्री ये, इसका नेक्स्ट ये है, करंट के आर्बिट्री का नेक्स्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स ये वाला अब इससे कनेक्ट हो जाएगा। और मैं करंट को क्या कर दूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिख देता हूँ, करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, मीन्स करंट का नेक्स्ट ये, यहाँ ये नेक्स्ट ये रहा, करंट को मैं सिंपली आगे मूव कर दूंगा। अब मैं चेक करूँगा कि इसका आर्बिट्री नल है या नहीं है, इसका आर्बिट्री नल है, तो मैं सिंपली करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दूंगा, मीन्स करंट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। अब मैं चेक करूँगा कि करंट का आर्बिट्री नल है या नहीं है, सिंपली करंट का आर्बिट्री नल है, तो मैं क्या करूँगा करंट के नेक्स्ट कर दूँगा, मीन्स नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करा दूँगा। अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि करंट का जो आर्बिट्री है वो नल है या नहीं है, यहाँ पर करंट का आर्बिट्री नल नहीं है, यहाँ पर आप देखो ये वाला 4-3 से कनेक्ट है, ये यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अब मेरे को ये वाला कनेक्शन करना पड़ेगा, तो ये वाला कनेक्शन करने के लिए मैं क्या करूँगा, करंट का यहाँ पर कोड लिखा हुआ था ना, करंट का नेक्स्ट ये वाली नोड, करंट के आर्बिट्री के नेक्स्ट से कनेक्ट कर दूँगा, करंट के आर्बिट्री के नेक्स्ट ये वाला ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। और क्या करूँगा, करंट का नेक्स्ट इजकल टू करंट का नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मीन्स करंट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट से नेक्स्ट कनेक्ट कर दूँगा, मतलब कर्सर को मैं आगे मूव करूँगा। तो इसका मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये नल है, तो इसका नेक्स्ट तो नल हो जाएगा, तो मीन्स करंट जो है अभी नल पे पॉइंट करने लग जाएगा, और जैसे ही नल पे पॉइंट करेगा लूप से बाहर आ जाएगा, हमारा फाइनल जो है आर्बिट्री कनेक्शन हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ एक कनेक्शन करने हैं, ये वाले मेरे कनेक्शन जो न्यू स्ट्रक्चर है इसके अंदर अभी नहीं बने हैं, तो इन कनेक्शन को मैं थर्ड स्टेप में करूँगा और ये मेरा फाइनल स्टेप होगा, इसके बाद हमारी एक कॉपी नोड तैयार हो जाएगी। सेकेंड स्टेप के बाद कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये वाले कनेक्शंस करवाने हैं वन और टू के बीच में, लाइक ये बीच वाले कनेक्शंस अभी मेरे नहीं बने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक करंट पॉइंटर ले लूँगा जो कि हेड पे पॉइंट करेगा, और एक न्यू नोड पॉइंटर ले लूँगा जो कि वन पे पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, करंट पॉइंटर को मैं आगे मूव करा दूँगा, करंट इजकल टू करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट ये वाली नोड है, इसका नेक्स्ट ये वाली है, तो करंट का नेक्स्ट यहाँ पर करंट पॉइंट करेगा, करंट यहाँ से हट गया है। अब मुझे न्यू नोड जो है ये वाला पॉइंटर है, ये न्यू नोड, इसको इससे कनेक्ट कराना है, इस वाली मीन्स न्यू नोड का नेक्स्ट इस वाली पॉइंटर से कनेक्ट कराना है, इस वाली नोड से। तो मैं क्या करूँगा, जो करंट का नेक्स्ट है उसके इक्वल कर दूँगा, न्यू नोड का नेक्स्ट इजकल टू करंट का नेक्स्ट, मीन्स ऐसे कनेक्शन हो जाएगा और ये वाला कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, न्यू नोड को आगे मूव कर दूँगा, एंड अब करंट को आगे मूव करूँगा, करंट इजकल टू करंट का नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। देन अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो करंट के नेक्स्ट से पॉइंट करा दूँगा, एंड देन न्यू नोड को आगे पॉइंट करा दूँगा, देन करंट पॉइंटर को करंट का नेक्स्ट से कनेक्ट कर दूँगा, एंड न्यू नोड का नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट से पॉइंट कर दूँगा, एंड अगेन मैं करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट देखूंगा तो नल होगा, मींस जो अब जो न्यू नोड यहाँ पर होगी मेरी, इसका जो नेक्स्ट है वो नल से पॉइंट हो जाएगा और मेरा जो वाइल लूप है बाहर आ जाएगा। मेरा जो फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगा, मैं सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ अभी, मेरा इतना स्ट्रक्चर क्या बनेगा,
और मुझे यही बनाना था, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा आंसर है, ये कॉपी नोट बन गई है पूरी, अब यही मेरा आंसर। चलिए यहाँ पर कोड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जावा का कोड लिखा हुआ है और मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन गिवन होगा जिसके अंदर हेड एज अ पैरामीटर गिवन होगा, एंड ये वाला जो कोड है ये हमें खुद लिखना होगा। मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप का कोड लिखा हुआ है, ये सेकंड स्टेप का कोड लिखा है, एंड ये थर्ड स्टेप का कोड लिखा है, और जो मेरा न्यू स्ट्रक्चर बनेगा उसका मैं जो हेड है वो रिटर्न कर दूंगा। फर्स्ट टाइम पे मैंने क्या किया था, जो हेड था वहाँ पर मैंने करंट पॉइंट करा लिया था, फिर मैंने करंट को इटरेट करना स्टार्ट किया था जब तक करंट नल नहीं हो जाता। एंड देन क्या करूँगा, मैं एक नेक्स्ट पॉइंटर लूँगा जो करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा, एंड देन मैं एक न्यू नोड बनाऊँगा जिसके अंदर मैं डाटा डाल लूँगा नोड के अंदर जो भी मेरे को डालना होगा, एंड करंट का नेक्स्ट न्यू नोड से पॉइंट करा दूँगा। और इस स्टेप में मैं जेड कनेक्शन कराऊँगा, जो न्यू नोड मेरी बनी है वो कर्सर के अगली वाली नोड से कनेक्ट करा दूँगा मैं, एंड मैं कर्सर को आगे मूव कर दूँगा। सेम मैं चेक करूँगा फिर करंट नल होता है या नहीं होता है, करंट नल हो जाता तो मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा, अगर करंट नल नहीं होता है तो मैं फिर से क्या करूँगा, एक नेक्स्ट नोड लूँगा उसको करंट के नेक्स्ट से पॉइंट करा दूँगा। फिर अगले स्टेप में मैं फिर से एक न्यू नोड बनाऊँगा जिसको मैं करंट के नेक्स्ट से पॉइंट करा दूँगा, फिर से यहाँ मैं जेड कनेक्शन दूँगा और फिर मैं करंट को आगे मूव कर दूँगा। ये स्टेप जब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक मेरा करंट नल नहीं हो जाता, और जैसे ही करंट नल होगा मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा। सेकेंड स्टेप में मैं आर्बिट्री कनेक्शन करूँगा, आर्बिट्री कनेक्शन न्यू स्ट्रक्चर में। यहाँ पर मैंने करंट को हेड पे पॉइंट करा लिया है और मैं कर्सर को जब तक मूव करूँगा जब तक वो नल नहीं हो जाता। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसमें यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ या कंडीशन दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अगर कर्सर डॉट आर्बिट्री डज नॉट इक्वल टू नल, अगर कर्सर का आर्बिट्री नल नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कर्सर का आर्बिट्री नेक्स्ट से कनेक्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं नल रिटर्न करूंगा। मींस इस लाइन का मतलब क्या है, ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगी, अगर ये ट्रू होती है तो ये रिटर्न करेगी, नहीं तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो मींस करंट का नेक्स्ट का आर्बिट्री, करंट का नेक्स्ट मींस नई नोड का आर्बिट्री किससे कनेक्ट हो जाएगा, अगर आर्बिट्री नल नहीं होगा तो करंट के आर्बिट्री के नेक्स्ट से, नहीं तो नल हो जाएगा। सेम चीज़ चेक होती रहेगी, अगर नल होगा तो नेक्स्ट मूव कर जाएगा, अगर नल नहीं होगा तो आर्बिट्री कनेक्शन हो जाएगा न्यू नोड में, एंड देन जैसे ही करंट नल होता है लूप से बाहर आ जाएंगे। एंड देन लास्ट कनेक्शन जो हमें करने थे वो हमें दो नोड के बीच में कनेक्शंस करने थे। दो नोड के बीच में कनेक्शंस के लिए मैंने क्या किया, एक न्यू नोड ले लिया है जिसको मैंने कॉपी कर्सर से पॉइंट करा दिया है, एंड एक और पॉइंटर जो मैंने लिया था कर्सर उसको हेड से पॉइंट करा दिया ओल्ड स्ट्रक्चर के। एंड देन मैंने जब तक लूप चलाऊंगा जब तक जो करंट पॉइंटर है वो नल नहीं होता था। सिंपली चीज़ मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, पहले मैं कर्सर को आगे मूव कर दे रहा हूँ। कर्सर को आगे मूव कर देने के बाद क्या करता हूँ मैं, जो नीचे जो न्यू नोड थी, जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो जो करंट के नेक्स्ट से पॉइंट करा दूंगा, और फिर से मैं करंट को क्या कर दूंगा, आगे मूव कर दूंगा। ये सेम चीज़ मैं जब तक रिपीट करूंगा जब तक मेरा कर्सर नल नहीं आता। जैसे ही कर्सर नल होगा मेरा न्यू जो कॉपी नोड है स्ट्रक्चर वो तैयार हो चुका होगा और उसका मैं हेड रिटर्न कर दूंगा।